क्षेत्र के जिला लघु सचिवालय में रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र के माध्यम से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसान काफी लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में यह पहला लंबा व शांतिप्रिय आंदोलन है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है। जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां से आधा किलोमीटर की दूरी से किसान पीछे थे, जहां पर किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। इस दौरान किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है। लगभग 5 महीने से 3 काले कानून जो कोरोना की महामारी के चलते केंद्र की सरकार ने कराई थी, उसके विरोध में किसान सड़कों पे हैं। 300 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी, परंतु ये सरकार है कि सुन नहीं रही। और इतना शांतिप्रिय, इतना लंबा आंदोलन विश्व के इतिहास में ये पहला आंदोलन है कि जितना शांतिप्रिय, इतना बड़ा और इतना लंबा आंदोलन चला, उसके बावजूद सरकार की तरफ से लगातार प्रयास रहते हैं कि कैसे आंदोलन को तोड़ा जाए। इसमें इनको कामयाबी नहीं मिली, तो अब भड़काने के लिए किसानों को किस प्रकार उकसाया जाए, उनके प्रति इनके नेता जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। और जिस प्रकार से रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, प्रजातंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, और मुख्यमंत्री के यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, उससे लगभग आधा किलोमीटर पीछे ये लोग थे, और उसके बावजूद उन पे लाठियाँ बरसाई गई, जिसकी हम निंदा करते हैं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर यहाँ पर आए और हमने ज्ञापन दिया और मांग की है कि ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज बरसाया है, उनको खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और भाजपा और सपा नेता जो लगातार किसानों के प्रति अपशब्द इस्तेमाल करके उन्हें भड़काने का काम किया जाए, इन पे भी नकेल डाले। देखिए, पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी, मजदूर विरोधी बिल लेके आई है, पिछले 4 महीने से किसान दिल्ली के सड़कों पर लाखों की संख्या में बैठा हुआ है। और पिछले दिनों रोहतक में जो किसानों पर लाठीचार्ज करने का इन्होंने काम किया, 90-90 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़ने का काम किया, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में महामहिम के नाम DC के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठिए, लोगों में जाकर लोगों को उठाने का काम कर रहे हैं। जो कल सांसद के ऊपर पथराव हुआ, गाड़ी इनकी तोड़ी गई, उन्होंने सरेआम कांग्रेस के आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस के धंधे हैं, इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इसमें खुद चिंतन करना चाहिए। 2 साल पहले जिस प्रदेश की जनता ने 10 के 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जितवाकर भेजे, और आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री अगर इस हरियाणा प्रदेश की जनता में जा रहे हैं, तो इस प्रदेश की जनता उनका विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने स्वयं इसके कांग्रेस पर ब्लेम लगाने की बजाय स्वयं इसके कारण ढूंढने चाहिए, और किसानों से बातचीत करके उनको उकसाने की बजाय बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक